अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो गैस पेपर के हवाले से होगी, मतलब सेकंड चैप्टर के गैस पेपर के हवाले से। इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो आपके होंगे अहम तफसीली सवाल, अहम मुख्तसर सवाल जो बार बार रिपीट होने वाले हैं और अहम तफसीली सवाल। तो चलते हैं पहले हम मुख्तसर सवाल की तरफ। पहला हम क्वेश्चन बनाएंगे, भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के असासे पाकिस्तान को क्यों ना दिए। तो उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, कराची से रियासत जूनागढ़ का फासला कितना था, मतलब तो ये रीडिंग में आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इतिहाद यकीन और तंदीम से क्या मुराद है। तीसरा हमारा सवाल बनता है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरिया पानी का मसला कैसे हल हुआ। पाँचवा सवाल होगा, पाकिस्तान की इंतजामी मुश्किल बयान करें। यानी ये जो क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक क्वेश्चन नंबर वन, पाकिस्तान ने भारत के हिस्से के असासे क्यों ना दिए, ये वो क्वेश्चन है जो तकरीबन हर साल बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग की थोड़ी गलती हो गई है। क्वेश्चन नंबर वन, पाकिस्तान भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के हिसाब से क्यों ना दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका रीडिंग का आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे ये ज़रा कंपोजिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर बन रहा है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी का मसला कैसे हल हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बार बार बोर्ड में रिपीट होता है। उसके बाद पांचवा, पहला चौथा और पांचवा, ये वो क्वेश्चन हैं जो के बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन में हैं, बाकी भी आते हैं लेकिन ये जो हैं ये पार्ट वन हो या पार्ट टू हो, दोनों में किसी ना किसी को दिए जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत से सरकारी मुलाजमीन को लाने के लिए किस हवाई कंपनी से माहदा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला कौन सा था, यानी क्याम पाकिस्तान से लेके अब तक वो कौन सा मसला है जो अब तक चलता आ रहा है, और क्याम पाकिस्तान के फौरन बाद जो है कशीदगी की वजह बना। तो मसला कश्मीर है, यकीनन आप जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदा ने तुलबा को क्या नसीहत की। उसके बाद क्वेश्चन है, तकसीम के वक्त मुतहिदा हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक में कितने पैसे थे। तो ये आप बुक में देखेंगे, यानी ये रीडिंग का क्वेश्चन बन रहा है, ये थे 4 बिलियन रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे, चूंकि हम बाब नंबर दो के ऊपर बात कर रहे हैं, पहले हम मुख्तसर सवालात के ऊपर बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं तफसीली सवालात के ऊपर। तो इस पूरे चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन हैं, तफसीली सवालात हैं। उनमें अब की मरतबा जो स्मार्ट सिलेबस के वाले से अगर हम बात करें, तो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, 3 में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जिनमें से किसी एक के आने का चांस होता है, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात पर तफसीली नोट लिखें। दूसरा क्वेश्चन, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात रियासतों के तनाज़ा के हवाले से, यानी इसमें तारीफी पैराग्राफ रियासतों का तनाज़ा वो, और पॉइंट नंबर 1 रियासत हैदराबाद दक्कन जूनागढ़ मनावादर, और उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर, यानी इन 4 से 5 पॉइंट को आप तफसीली बयान करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इब्तदाई मुश्किल रियासतों के तनाज़ा के हवाले से। तो बाब नंबर 2 में 3 क्वेश्चन में पहले जो 2 तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और अब की मरतबा स्मार्ट सिलेबस में यही दोनों हैं, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अब की मरतबा स्मार्ट सिलेबस में यही चुने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बाब नंबर 2 की ये वीडियो मुकम्मल हुई, जिसमें हमने आपको मुख्तसर सवालात के ऊपर भी बात की हमने आपके साथ, और अहम तफसीली सवालात के ऊपर। तो बहुत शुक्रिया।